नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन और मैं हूं सुल्तान अहमद। ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन के जानिब से मैं यह वीडियो आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सब ध्यान से सुने, देखें। कुछ दिन पहले हम सब एक वीडियो वायरल किए थे जो कि झारखंड हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का कोई ऑपरेटर पहाड़ के नीचे आके दब जाने से उनका देहांत हो गया और हम सब उनको मिल करके सभी ऑपरेटर भाई जितना हो सका सभी फंडिंग किए उसके नाम से और उसको डोनेट किए और उसके परिवार को, हम लोग पीड़ित परिवार को एक मुआवजा के रूप में उनको सहयोग किए और कंपनी वाला से भी बात करके उनको हम लोग सहयोग दिलवाएं, जो भी उसका बनता है दिया कंपनी वाला। ठीक उसी प्रकार से भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के रामबान डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला मुदस्सिर अहमद, जो कि पहाड़ी का चटकने से उनका देहांत हो चुका है। दोस्तों, वो तो चला गया, उस तो अब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन बच गया कौन? उसका परिजन। दोस्तों, इतना कुछ बोलने से पहले इससे पहले आप यह वीडियो देखिए। इस प्रकार से शर्मसार करने वाली घटना यह ऑपरेटर भाई के साथ में हुआ। मैंने बात किया इनका ओनर से, इनका जो भी कंपनी का मालिक था, इनसे बात किया। बात करने से पहले मैं उनका परिवार से बात किया कि क्या यदि अगर हम सब मिल करके उस मालिक को एक मोटा मुआवजा के नाम से अगर मालिक को बात करके दिलाने से आप क्या एक्सेप्ट करोगे या नहीं, तो उनका जवाब आता यही है कि हमने मालिक से बात कर चुका है, मालिक को बोला, मालिक भी कमजोर पार्टी है, कुछ कर नहीं सकता है वो। तो हमने बोला कि यदि मैं बात करूंगा तो शायद कुछ हो जाए, देखिए जबरदस्ती का पैसा मुझे नहीं चाहिए। तो हमने सोचा कि शायद हमारी संस्था ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन, जो कि सभी ऑपरेटर भाई के हित में खड़ी रहती है और साथ देने के लिए रेडी रहती है, तो क्यों ना कुछ इसको सहयोग किया जाए। वो बोला कि अगर आप सबका बनता है कुछ बहुत सहयोग अपने तरफ से करने का तो आप दे सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती वाला पैसा मुझे नहीं चाहिए। ना पता, वो तो चला गया, उनका कहना यही है कि जबरदस्ती वाला पैसा मुझे नहीं चाहिए। अगर कुछ बहुत अपना सहयोग से, अपना खुशी से आप सब अगर हमको कुछ प्रोवाइड करते हैं तो हमको एक्सेप्ट है, हम लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन कल जा करके अगला को भी दिक्कत ना हो कि हाँ, उनको दबाव बनाकर आप पैसा तो ले लीजिएगा, लेने के बाद में वो जब वो याद करेगा तब तब वो बोलेगा कि नहीं, फलाना संस्था फलाना का साथ दिया, फलाना ऑपरेटर का दबाव बनाकर
हमसे पैसा ले लिया गया, और जब जब वो याद करेगा तब तब उनके मुंह से बद्दुआ निकलेगा, बोला। तो खैर, तो हम लोग उसको यही आश्वासन दिया मैं, दोस्तों सभी ऑपरेटर के साथ में हम सब न्याय की लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं। कभी लॉयर के साथ में बात करा रहे हैं, किसी का पेमेंट फंस रहा है तो कभी खुद बात करके उसका पेमेंट निकाल करके दे रहे हैं। दोस्तों ठीक उसी प्रकार से हम सब झारखंड में भी मदद किए थे सभी ऑपरेटर भाई को। तो आप सबसे निवेदन है कि जो कुछ होता है वो तो बिल्कुल ही हाथ उठा दिया था, लेकिन उसको हम सब बोले कि कुछ बहुत जो होता है हम सब देने की आपको कृपा करेंगे, सक्षम करेंगे, कुछ बहुत सहायता राशि प्रदान करेंगे हमारी संस्था की तरफ से। तो हमारे संस्था के जितने भी तमाम ऑपरेटर भाई, जितने भी चाहने वाले हैं, सपोर्टर हैं हमारे इस ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन को, सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सब जितने भी ऑपरेटर हैं, 100, 50, 200, 500, 1000 जो भी हो, इस मजलूम परिवार के नाम से आप लोग डोनेट कीजिए। स्क्रीन में आप सब देख रहे हैं हमारी संस्था का अकाउंट नंबर है, उसमें आप डालिए बेहिचक, और हम सब आने वाला समय में कुछ फेस्टिवल होने वाला है जो कि मुस्लिम समाज में होता है, जिसे हम लोग बकरीद के नाम से जानते हैं, उसके पूर्व ही उनका घर पर जाने का कोशिश करेंगे और चेक के थ्रू उनको एक मीटिंग करेंगे वहां पर ही, और चेक के थ्रू उस ऑपरेटर के परिवार को हम लोग मुआवजा के नाम से सहयोग राशि प्रदान करेंगे। तो जितने भी हो सकता है दोस्तों आप लोग के हित में आप लोग दिखाइए। हमने उसको यही आश्वासन दिया है कि ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन आपकी मदद करेगी, और ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन आप सबका सहयोग से ही चल रहा है दोस्तों। आप सब अगर सहयोग ना करते तो हमारी शायद हमारी यह संस्था भी नहीं बन पाती। ऑपरेटर के नाम से यह प्लेटफॉर्म खड़ा किया है दोस्तों एक दूसरे को मदद करने के लिए, और आप सब इस प्लेटफॉर्म को चलाने का मदद कीजिए, और इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाइए, एक दूसरे का मदद कीजिए। बीच में एक मुद्दा है, वही एक मुद्दा है जो कि एक प्लेटफॉर्म नहीं था, आज हम लोग प्लेटफॉर्म तैयार कर दिए हैं दोस्तों। तो बढ़ चढ़ के इसमें आप लोग हिस्सा लीजिए, पुण्य का ही काम होगा दोस्तों। अगर एक परिवार को, गरीब परिवार को आप सब मदद कर रहे हैं तो शायद आप लोग के वास्ते भी हम सब एक आवाज बनकर उठेंगे और उभरेंगे। दोस्तों ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप सबको, आप लोग समझ चुके हो कि एक दूसरे का मदद से ही किसी एक आदमी का मदद होता है। आप अगर किसी का मदद करोगे तो आपका भी कोई मदद करने वाला होता है। भलाई करोगे भला होगा, बुराई करोगे बुरा होगा, आप लोग सुने ही हैं। तो दोस्तों ज्यादा तो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, इतनी ही बात बोल करके मैं अंत करना चाहता हूँ। जय हिंद।